अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल ओके। सो मैं इस बार पार्टी काम के लिए रेडी हो रही थी, मैंने सोचा चलो व्लॉग ही बना लूँ। आँख नहीं खुल रही थी, फिर भी मैंने कहा नहीं नहीं बनाऊँगी, अभी मैं अच्छे से बनाऊँगी। बट अच्छे से तो आपको पता है बंदा सीखते ही सीखता है ना। सो उठी और देखा मैंने एक लोगो बनाया अपने यूट्यूब चैनल के लिए, जब आएगा तो आप देखेंगे। एंड होप सो आपको पसंद हो। इतना सर्क पाया वीडियो देख देखा यूट्यूब से कि कैसे बैनर बनाते हैं ये वो, पता नहीं कैसे बनाए। बट होप सो अब फिर मैंने सोचा कि एक वन डी और वन कॉफ़ी मैंने बनाई अपने लिए और आर्मी के लिए। एंड कॉफ़ी बनाते बनाते सोचा कि मैं सोचती रहती हूँ अभी कि एक वीडियो तो मैंने लगा दे, लोग लाइक बना कर लगा दिया, अपलोड कर दिया। सोचा कि अभी क्या बनाऊँ मैं, वीडियो क्या बनाऊँ सोचती रहती हूँ अभी नेक्स्ट व्लॉग क्या बनाऊँ। फिर चलो कॉफ़ी शॉफ़ी रेडी होगी, बाहर का व्यू अच्छा था। फिर काम के लिए की फ्रेंड के साथ जो मेरे साथ काम करते हैं उनके साथ जाती हूँ, क्योंकि अभी मैं ड्राइविंग अभी लाइसेंस ले रही हूँ। और जाते जाते सनशाइन इतना नाइस था, सुबह सुबह दिल कर रहा था बस बाहर बैठ जाऊँ काम करना। जो ये मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी और हम काम पर पहुँच आए, एंड काम पर पहुँचते आपको बीच में वॉइस भी सुनने को मिलेंगे, यू नो सारे बंदे। फिर मैं सोचा कि दिखाई दूँ, यहाँ मैं काम करती हूँ एमएनएस में और ये मेरी फ्रेंड थी लिफ्ट में और हम दोनों गई। ये देखकर हंस रही थी, कहती है क्या तुमने काम स्टार्ट कर दिया ना। मैंने कहा चलो, ये तो कार्टून खड़े थे इधर और कैंटीन में फ्रेंड का वेट कर रही थी। मैंने कहा हम दोनों साथ जाते हैं काम पर स्टार्ट करते हैं। एंड यह फिर वेट करती रही, वो जब आए फिर हमने, अभी तक वो नहीं आई एक्चुअली, बट यह उसका वेट कर रही थी। एक और फ्रेंड है वो बैठा पास और बातें शातें की, कहता बड़े चैनल बना लिए। मैंने कहा एक वीडियो लगाई है अभी तो क्या, कुछ आते जाते नहीं है। बट कहता है नहीं नहीं अच्छा बना रही हो, बनाते रहो। मैंने कहा हाँ हाँ बड़े, ये ऐसे नहीं कि कैमरा उठा के वीडियो बना लो। बट बंदे को ऐसे लाइक बंदा अपने मोमेंट्स में तब बिज़ी होता है, बट हर वक्त बंदा फ़ोन भी नहीं यूज़ कर सकता, फैमिली के साथ होता है। सो बट मैंने कहा नहीं नहीं अभी तो मैं हर मोमेंट को कैप्चर करती हूँ जो भी होता है, पता नहीं। एंड ये फिर मेरी फ्रेंड आ गई, फिर हम फायर अलार्म हो गया बारिश में, हम बाहर भी गए, बाहर खड़े रहे। एंड देन सर्दी लगी, मेरी सॉक्सें भी सब कुछ गीला हो गया। एंड देन बाहर फिर हमने अपने सॉक्स को ड्राई किया ड्राई में। एंड देन फिर मैंने सोचा कि अभी तो मैं मुझे घर भेज दें, इससे स्कूल वाली फीलिंग आ रही थी, कोई नहीं घर तो इन्होंने भेजा। फिर मैं टॉयलेट आई अपने यूनिफॉर्म को ड्राई करने के लिए, बट इधर ही फिर थोड़ा सा टाइम ही वेस्ट हो गया इधर। हाँ मैं एमएनएस में काम करती हूँ एंड यह 12 आवर शिफ्ट है। और फिर मैंने कहा चलो पॉज ही मार लूँ, बाल तो सारे बारिश की वजह से ख़राब हो गए, गिले हो गए। को नहीं मैंने कहा इट्स ओके, यह काम पर होती हूँ फिर घर जाती हूँ फिर ऐसे वैसे बस। फिर छुट्टी होगी 12 घंटे के बाद, देखा ऐसे लगता है जैसे अंदर बंदा जेल में आई है। मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी, कहती है अच्छा तुमने ये काम स्टार्ट कर लिया। मैंने कहा हाँ, मैं बाकी सारे मेडल ले चुके हैं, मैं भी ले लूँ। फिर मैंने कहा ये मेरी तरफ कैमरा तो एक लगा दो कि लोगों को ये ना लगे कि मैं इधर पिकनिक पे आई हूँ, काम पे आई हुई थी। फिर देखो कितना नाइस व्यू है, ये इवनिंग का व्यू है 6:30 के बाद का, एंड बहुत अच्छा लग रहा था। फिर इस फिर मैं घर चली थी। और आप सब प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड प्यार बांटिए, अच्छे से रहिए और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।